हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम HTML लैंग्वेज के बारे में देखने वाले हैं। ये लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे, और इस लैंग्वेज को आपने क्यों सीखना चाहिए ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊँगा जिससे कि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं, राइट? सो विदाउट फर्दर इंडू, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइज, HTML क्या है? तो HTML ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को शो करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको HTML का लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ क्या है। तो HTML का लॉन्ग फॉर्म है गाइज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का लॉन्ग फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज बेसिकली बनाई गई है कि अगर आपको ब्राउज़र में वेब पेज दिखाना है तो वेब पेज को दिखाने के लिए आपको उसमें HTML यूज़ करनी पड़ेगी। विदाउट HTML के आप किसी भी वेब पेज को शो अप नहीं कर सकते। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आपको HTML सीखनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम HTML का ये है कि जो हमारा ब्राउज़र होता है, जो आपको ऐसा दिखता है आपके लैपटॉप में, ऐसा ब्राउज़र होता है, यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे थोड़े बुक मार्क मेन्यू वगैरह होता है, और यहाँ पे जो आपको जो दिखता है ना गाइस, ये जो कंटेंट आपको दिखता है इसमें, उसे ही हम वेब पेज कहते हैं। जी हाँ, और उस वेब पेज में जो हमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दिखती है ना गाइस, उसे हम कहते हैं HTML। उसमें बहुत सारे और लैंग्वेज भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम कोर्स है, जो कि है HTML। ओके, अब आपको इतना समझ में आएगा कि HTML क्या है और HTML क्यों यूज़ की जाती है। और HTML को आप मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आप इससे कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ इतना बताती है कि आपका जो ये पेज है, इस पेज में कंटेंट कहाँ पे कैसा दिखेगा, मतलब जो टेक्स्ट होता है ना गाइस आपके वेब पेज में, वो टेक्स्ट प्रिंट करने का काम ये करती है। जो इमेजेस आपके पेज में होते हैं उसको ऐड करने का काम ये करती है HTML। ओके, इसके बाद जो आप कलर चूज़ करते हैं, रेडियो बटन आपको दिखते हैं, एक इनपुट आपको दिखता है, जो बटन्स आपको दिखते हैं, आपको ये जो एरिया ना गाइस, इस एरिया में जो कुछ दिखता है उसको आप HTML पेज या फिर वेब पेज कहते हैं। और उस वेब पेज को दिखाने के लिए बेसिक से बेसिक जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है HTML। और बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है गाइस, बहुत ज़्यादा कम स्पैन में आप इसे सीख सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप उसे 15 डेज में पूरा का पूरा HTML सीख जाएंगे, बिलीव मी, 15 डेज में आप पूरा का पूरा HTML कवर कर लेंगे। क्योंकि इसमें इतना इजी इतने ज़्यादा इजी कंसेप्ट है गाइस इसमें, कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसके बाद हम देखेंगे HTML का सिंटैक्स, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है HTML, कुछ टैग्स होते हैं HTML में। सबसे पहला होता है HTML, ये सिर्फ मैं आपको HTML दिखा रहा हूँ, और HTML5 ये अलग वर्जन है उसका, राइट? ये होता है टैग, जो कि स्टार्ट होता है लेस देन साइन से, और ये एंड होता है ग्रेटर देन साइन से। और इसमें क्या होता है गाइस, जो भी आपने टैग लिखा है वो टैग क्लोज होगा या इससे, देखिए, मतलब आपको अगर एक टैग आपने लिया है और उस टैग को अगर आपको क्लोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेस देन का साइन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है लेस देन का साइन ये। इसके बाद आपको एक फॉरवर्ड स्लैश देना होगा, इसके बाद आपका जो टैग नेम है वो टैग नेम को डालना होगा, और ग्रेटर देन साइन, एंड दैट्स इट, आपका जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा। और आप मुझे ये क्वेश्चन करेंगे कि इस टैग को आपको क्यों क्लोज करना है। तो आपको इसीलिए इसको क्लोज करना है कि इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे, मतलब कि जो बॉडी है, टाइटल, जो भी टैग्स होते हैं, वो टैग आप जब इसमें लिखेंगे उनके बीच में, मतलब कि ये जो एक HTML पेज है, एक HTML पेज है, उस पेज में आपको क्या क्या ऐड करना है वो आपको इसमें लिखना है। तो इसकी वजह से आपको ये जो टैग होती है वो क्लोज करनी पड़ती है। लेकिन कुछ टैग्स होती है जिसको आप क्लोज नहीं भी करेंगे तो चल जाती है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपने वो HTML के जो टैग है वो क्लोज करनी चाहिए।
और ये सिर्फ बेसिक सिंटैक्स हो गया गाइस, मतलब जो भी एचटीएमएल का पेज होता है वो एचटीएमएल टैग से स्टार्ट होता है, लेकिन एचटीएमएल 5 में वो डॉक टाइप से स्टार्ट होता है, डॉक टाइप एचटीएमएल। लेकिन एक मैं आपको सिर्फ प्लेन एचटीएमएल बता रहा हूँ, इसकी वजह से आप इसको ऐसे ध्यान में रखिए कि ये जो इसका टैग है वो एचटीएमएल से स्टार्ट होता है, राइट। ये हो गया एचटीएमएल के बारे में। और इसको डिज़ाइन करने के लिए सीएसएस लैंग्वेज बनाई गई है, ये लैंग्वेज नहीं है, एक भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपको ये बताती है कि इसमें जो रेडियो बटन है वो कहाँ पे रहेंगे, इसमें जो बटन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, जो इनपुट बॉक्स रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, उसको दिखाती है। लेकिन उसको हम किसी अगले वीडियो में या फिर किसी आने वाले वीडियो में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो में सिर्फ एचटीएमएल के बारे में देखिए कि एचटीएमएल कैसे काम करता है, एचटीएमएल क्या है, राइट। तो ये हो गया बेसिक सिंटैक्स एचटीएमएल का। ओके, तो हमने एचटीएमएल टैग देखा, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एचटीएमएल टैग होता है, मतलब कि हमने यहाँ पे लिखा था, सॉरी हम अब यहाँ पे क्या लेंगे, एक डिव ले लेंगे, डिव टैग जो एक डिवीजन क्रिएट करता है। तो ये डिव टैग लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे, डिव यहाँ पे डिव टैग क्लोज होगा, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो डिव टैग के अंदर आएगा फिर। लेकिन एचटीएमएल में सिर्फ टैग ही नहीं होता, एचटीएमएल में बाकी और कुछ भी होता है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, मतलब कि हमको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखने पड़ते हैं, इसके बाद आपको उसे क्लोज करना पड़ता है। और ये जो आप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, इन एट्रीब्यूट्स में लिखा होता है हाइट, विथ, आईडी, क्लास और या बहुत सारे डेटा इंडेक्स, डेटा आउट, डेटा इन, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ड्यू के केस में देखेंगे कि ड्यू में कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, राइट। तो ड्यू में हो सकती है आईडी, और एट्रीब्यूट आपको कैसे डिफाइन करने हैं, तो ये की वैल्यू पेयर में होते हैं। की वैल्यू पेयर मीन्स ये आईडी हो गया, इसके बाद इज इक्वल टू साइन के बाद डबल कॉलन में आपको उसकी देनी है आईडी। ये आईडी आपके मन में कुछ आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, मतलब एचटीएमएल में जो भी कंटेंट होता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है, उसको आप असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको एक दे देता हूँ आईडी का नाम टेम्प, ओके, और इसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो दिया आईडी इज इक्वल टू टेम्प, इसको मैं कहता हूँ एट्रीब्यूट, राइट। आईडी एक एट्रीब्यूट है और ये जो टेक्स्ट है ना, ये इसकी वैल्यू है, राइट। मतलब कि ये होगी कि ये हो गई वैल्यू, इसको आप टोटल इसको एक एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपका जो एचटीएमएल टैग है इसमें एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एटलीस्ट होने चाहिए, उसमें आईडी और क्लास ये जो टू टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें वो होने चाहिए। क्योंकि एट्रीब्यूट से क्या होता है, आपको उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इसके बाद उसमें वीड भी हो सकती है, राइट। अगर आप एचटीएमएल के डेप्थ में जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एचटीएमएल में क्या क्या आता है, वीड होती है, हाइट होती है। ये मैं बहुत ज़्यादा बेसिक आपको बता रहा हूँ। आप अगर मेरा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट चेकअप करेंगे तो गिट पर मैंने उसे होस्ट किया है, आप वहाँ पर जाइए और मैंने जो कंटेंट लिखा है उसमें, जो मैंने वेब पेज बनाए हैं, जो पूरे की पूरी सिस्टम मैंने बनाई है, उसको आप देखिए, थोड़ा समझिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिल जाए तो फिर एचटीएमएल सीखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए, राइट। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एचटीएमएल में जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रॉपर्टीज़ देने के लिए या फिर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। एट्रीब्यूट्स के बहुत सारे टाइप है, वो आपको किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप उसकी ट्यूटोरियल रेफ़र कर सकते हैं, ओके गाइज। आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि आपका ये जो ब्राउज़र है, राइट, ये जो आपका ब्राउज़र है ये फिर एचटीएमएल टैग को ही दिखाता होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, राइट। अब तक हमने जो भी टैग सीखी उन टैग को ये ब्राउज़र दिखाता होगा, तो नहीं, एक्चुअली हमारा ब्राउज़र का जो इंजन होता है जो कि है V8 इंजन जो यूज़ करता है क्रोम, और गीको जो यूज़ करता है फायरफॉक्स ब्राउज़र। तो ये जो इंजन होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी आपने टैग लिखे हैं उन टैग को, मतलब कि आप अगर BR टैग है जो कि लाइन ब्रेक का टैग है, तो इस BR टैग को वो रीड करेगा और फिर उसके रिस्पेक्टेड कमांड देगा कि हाँ यहाँ पे अगर मैंने लाइन स्टार्ट की है तो फिर मुझे एक लाइन ब्रेक देना है, फिर उसके बाद एक लाइन स्टार्ट करनी है। तो कुछ इस तरह से वो टैग्स को रेफर करता है, वो एक्चुअली टैग को रेंडर नहीं करता गाइस, वो टैग को रेफर करता है,
रेंडर नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जो ब्राउज़र का इंजन होता है V8 या फिर गीको, दो टाइप के इंजन होते हैं बेसिकली, उसको वो रेफर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया HTML के बारे में। और HTML के बहुत सारे ऐसे फीचर है जिस पर मैं अगर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, HTML आपको समझ में आई होंगी। और वेब डेवलपर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको HTML, CSS, JavaScript, ये 3 फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है जो आपको आनी चाहिए, जिसके बिना आप वेब डेवलपर बन ही नहीं सकते। क्योंकि फ्रंट एंड का पार्ट तो आता ही ना गाइस जब आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको ये सीखनी है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।